अब यार यहाँ पे इस बंदे पे देखो यार क्या गजब का एंगल बनाया भाई। इस हेडशॉट के लिए एक लाइक तो बनता है। रेड डॉट लगाया M24 में भाई। ये बंदा वहाँ पे बॉट की क्रेड लूट रहा था। इसने अफसोस क्या होगा यार, इसने बहुत गालियाँ दी होगी मुझे। और इस बंदे को तो यार ऑल पे गालियाँ पड़ी होगी यार। नाम देखो देन है गेम प्ले वीडियो पबजी मोबाइल यार। वापस आ चुके हैं हम लोग तो नए गेम प्ले वीडियो के साथ यार। इसमें हम लोग गए थे पायलट प्लाजा और हमें यार दो दो फ्लेयर गन मिली, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। और भाई जो भी हमने ड्रॉप मंगाया ना यार, उन दोनों में सेम कॉम्बिनेशन आया। और एक सरकारी ड्रॉप लूटने गया मैं भाई, उसमें भी वही गन जो उन ड्रॉप में थी। तो यहाँ पे मेरे को ग्रेनेड मिल गया। लूटते लूटते हम पहुँचते हैं यहाँ पे इस सी बिल्डिंग के अंदर। इसके अंदर मेरे को M4 और टॉमी मिलेगी। अब फिलहाल तो इसका कार्यालय है, लेकिन अब मैंने M4 ले ली। अब भाई वहाँ पे ऊपर एक बंदा उस वाली सी बिल्डिंग पे यार, क्या गजब का स्प्रे गया यार। हेड लगे भाई इसके, तीन हेड लगे। पता नहीं आप सर्वाइव हो गया, Level 3 था इसके पास था। तो वहाँ पे मेरे टीममेट ने एक बंदे को खिलाया था, जाके मैं उसकी क्रेड लूटता हूँ भाई। होलो तो अपन कभी यूज़ करते हैं नहीं भाई। कोई बाई चांस भाई ऑटो पिकअप की मेहरबानी जो हम होलो उठा लेते हैं यार। ये जो क्रेट है ना भाई, इस क्रेट में उनको मिलती है फ्लेयर गन। और यार मैं बिना किसी देरी के फ्लेयर गन फोड़ देता हूँ ऊपर। और यार फ्लेयर गन तो पिकअप हो जाती है, लेकिन यार इसकी एमओ पिकअप नहीं होती यार, एक ग्लिच है। पबजी मोबाइल में ऐसा नहीं यार, पबजी मोबाइल में फ्लेयर गन के साथ ऑटोमेटिकली उसकी एमओ आ जाती है। मेरे साथ आओ सारे। और भाई साहब मेरे साथ पिछले वाले जो वीडियो में था यार, पिछले वीडियो में बहुत गंदा वाला सीन हुआ था। मैंने फ्लेयर मारी थी लेकिन फ्लेयर नीचे गिर गई थी। और ऐसे ही सीन मेरे साथ अभी दो तीन दिन पहले भी हुआ यार, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इसलिए मैं अब एकदम भाई स्कोप वगैरह फ्लेयर गन को एकदम ऊपर भाई साहब इतने प्रेम से मारते हैं एकदम बढ़िया। अब कार 98 में 6x मिल ही गया था अपने, तो एक आध बंदा नॉक करना तो यार बनता है। लेकिन अभी भी आयरन साइड वही यार, ऑटो की सबसे सस्ते में से मैं बता रहा हूँ, कोरोना टाइम चल रहा है, सैनिटाइजर की सस्ते में से करके बैठा है ये दोनों बंदे यार। पता नहीं Enemy क्या ही कर रहे थे भाई। एक तो हेड लग रहा है, दूसरा तो भाई साहब छुटरम छू हो गया, दिखाई नहीं मेरे को उसके बाद। अरे पीक बटन यार मेरा बहुत गंदे तरीके से लॉक होता है, रीजन में अच्छी नहीं लगता यार। अभी हमारे ड्रॉप गिर गए प्लेन वाले, दे रहा है दुरुस्त है भाई। हम ऐसा सोच रहे थे कि यार बंदे रोटेशन वगैरह ना मार ले, तो उतनी देर में हम यहाँ पर ड्रॉप लूटना आता और उन बंदों ने हम पे रश कर दिया भाई। ड्रॉप मेरे सिर पे था और एक बंदे के सिर पे और था, पता नहीं कौन था। फिर यहाँ पे एम के तो अपन ने ले ही ली, क्योंकि यार गिली सूट का क्या काम एक था, बाद में मिल जाता है मेरे को भी गिली सूट एक बंदे से। तो यार एम के लिए क्लच करना तो बनता है, लेकिन वो क्लच अभी नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा वो क्लच, उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और भाई साहब उन बंदों ने जैसे हम लोग ड्रॉप लूटा भाई, उन्होंने उनसे रश कर लिया। वो भाई इस बंदे का तो हेलमेट भाई टूटता हुआ यार कैप्चर हुआ है अपने स्कोप में। फिर इसको फिनिश करना तो बनता था एम के से। अब यार मैं यहाँ पे इन बंदों से पूछ रहा हूँ, किसी के पास एक्सटेंडेड मैग है या नहीं भाई, कोई मेरी सुन रहा ही नहीं है भाई। तगड़े टीममेट है यार, बजाओ ताली। तो हम लोग बॉट मारने के मकसद से यहाँ से फरार होते हैं भाई। एमओ को मैंने भर के उठा ली थी भाई साहब एम की। फिर अरे मैं लूटने के चक्कर में भाई इतना गंदे तरीके से पिटता हूँ भाई, क्या होता हूँ, इसलिए आपसे थोड़ा लूट पे कम ध्यान दूंगा यार मैं। और यार दो दिन से कोई भी गेम प्ले वीडियो नहीं आई थी यार, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा यार। मैं उसका रीज़न आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई। जो मैं सोलो में रैंक पुशिंग कर रहा हूँ भाई, क्राउन पे पहुँचने के बाद जब आप टॉप 30 में भी आओगे ना भाई, टॉप 30 छोड़ो, मैं #18 पे आया भाई, मेरा -8 लग गया। और भाई अगर उतरते ही मर गया भाई -38। और भाई चिकन डिनर निकाला ना भाई, निकलता ही नहीं, निकाल लिया ना अगर आपने चिकन तो ही भाई साहब 12-13 फिर 14-15 प्लस होता है भाई। प्लस तो भाई इतने मुश्किल से होता है पॉइंट। और यार इसके चक्कर में मैं बिल्कुल भी भाई साहब रश करके नहीं खेला, थोड़ा कैंप करके खेल रहा था, इसलिए मैं गेम प्ले नहीं निकाल पाया। तो अब से यार कोशिश करूँगा मैं थोड़ा रश करके खेलने की।
तो अभी मैं क्राउन 5 पे हूँ, आप लोग अपना टीयर कमेंट कर देना। तो भाई साहब सप्रेसर मैं यहाँ पे एमके में लगा रहा था, लेकिन ये सप्रेसर कहाँ हमारी सुन रहा था। अब भाई फिर से मैं वही बोल रहा था, किसी के पास है तो आप दे दो एक्सटेंडेड मैग, लेकिन स्नाइपर से एक्सटेंडेड मैग मिल जाता निबलेट्स। बॉट्स का नाम एकदम निब्बी निब्बी वाले आते हैं। पर सामने सरकारी ड्रॉप गिरा था, लेकिन सरकारी ड्रॉप लूटना हमारी टीम में जो है वो पहले ही पहुंच गए थे। हमें तो बॉट मारने से ही फुर्सत नहीं मिली इस पूरे मैच में। तो भाई साहब पीछे देखना आप लोग कैसी गंदी सफाई मचा रही थी हमारी टीम में। भाई भगत सिंह नॉक्ड आउट। भाई इस बंदे का पता नहीं ध्यान कहाँ था, और एम के आर बिल्कुल भी भाई साहब 3x में बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो रिकॉल हैंडल करना। भाई साहब भगत सिंह ने ऐसी गंदी तबाही मचाई इधर, क्या बताऊँ भाई। इस बंदे को तो मैंने एम के से फिनिश किया, क्योंकि यार एम के आर जब भी है ना यार, हमें एम के से फिनिश करने का तो इन टीम मेट्स ने मौका नहीं दिया। बहुत यार कमीना टीम मेट है, बद्दुआ लगेगी सालों को मेरी। अब भाई साहब सरकारी ड्रॉप पर मैंने चेक किया, उसमें आरपीजी थी, तो यार किसी ने नहीं ली होगी, ऑब्वियस सी बात है यार आरपीजी कौन लेता। भाई यहाँ सामने एक नॉक बंदा पड़ा था, इसका देखना कितना बंदा की चोरी होगा। अभी ये देखो भाई उसने इसको नॉक करा था यार गाड़ी वाले ने शायद से, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। देखो भाई ऐसा किल चुरता है ना भाई जब बंदे का किसी का, भाई उसको बहुत गंदा लगता है। भाई इस घर में 3 बंदे थे जो ये सामने जहाँ पे एनिमी लाइट मार्क हुआ है ना, भाई 3 बंदे थे, इतने गंदे भाई कैंपर थे बंदे, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे एक और सरकारी ड्रॉप आया, और इसमें भाई गैस करी करी लोगे आप लोग की भाई सरकारी ड्रॉप में क्या मिलेगा। और मैंने जान दिया भाई सरकारी ड्रॉप नहीं है, मैं भाग के गया भाई AWM वगैरह मिल जाए तो एक आध की पत्नी छोड़ दी। पर टीममेट्स ने इतना गंदा स्प्रे दे रहे थे इन पर, भाई उनको बाहर भी नहीं निकलने का मौका मिल रहा था। तो सरकारी ड्रॉप गिरता हुआ दिखा भाई, मैं देखा हाँ भाई नीचे जा सकते हैं सेफ है भाई। यहाँ मैंने सोचा अगर बोल्ट एक्शन मिल गई तो एम के को छोड़ दूंगा मैं, लेकिन वैसे यहाँ पे क्विक ड्रॉप मैच मिल गया था तो यार और क्या चाहिए, एक्सटेंडेड मैच मैच दिया क्योंकि यार क्विक ड्रॉल के बाद एक्सटेंडेड का क्या काम। वैसे तगड़ी चीज़ है क्विक ड्रॉल एक्सटेंडेड मैच। अब यार एम के में 3x लगा के थोड़ा मैं एक आध बंदे को सिंगल टैप पे नॉक करने में था, लेकिन भैया एम के का रिकॉइल यार कहाँ किसी के बस का है। तो यार मैं छुपते छुपाते इन बंदों पे रश कर देता हूँ भाई, मेरे पीछे पीछे मेरे टीममेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन दीपक नॉक हो जाता है आगे जाके, उसे रिवाइव मिल जाता है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं। अब यार इनकी पूरी स्क्वाड में लगभग जो ट्राय था इनका, इनको भाई कितने गंदे तरीके से यार, इनको यार समझ में नहीं आया भाई क्या हुआ। एम के से इनको इतना गंदा क्लच करा देखो। तो भाई साहब उस बंदे ने यार मेरे पे बोल्ट एक्शन चलाई थी, इतना मेरे को पता है जहाँ तक मेरा अंदाज है। लेकिन भाई साहब उसके हेड लगे मेरे ऑलमोस्ट सारे, और उसके भी यार मेरे हेड ही लगे थे, तभी भाई इतना गंदा डैमेज मिला मेरे को। किस्मत बढ़िया थी मैं नॉक नहीं हुआ, नहीं तो यार रश नहीं हो पाता इनको। अब भाई एक बंदा नॉक हो तो यार रश तो बनता है इनको। तो यार मैं अंधा स्प्रे दे रहा था भाई, मेरे को पता है उन बंदों पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई इससे वो लोग मेरे पे पीक नहीं ले सकते थे भाई। इतनी देर में दीपक आता है मेरे पीछे, भाई ओपन से आ रहा है यार, भाई पूरे फुल ओपन से आ रहा है, तो यार उसको तो सजा मिलनी थी। अगर मैं कवर टू कवर मूव कर रहा था, अब भाई लो दीपक नॉक इस कारण से भाई इन पे यार एक बंदे ने हमारे टीममेट ने एक और ने नेड करा था, मैं फुल कुक नेड फेंकता हूँ इस पे, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं है यार। अब एम के अगर क्लोज फाइट तो किससे डरेंगे भाई। मैं देखा 3 बंदों के फुटस्टेप कहाँ से आ रहे हैं। अब भाई इस बंदे को देखो यार क्या प्यारा नॉक मिला। अब भाई 3 बंदे नॉक करें यहाँ पे। अब भाई साहब लास्ट वाला बंदा भाई इतना गंदा वाला कैंपर है भाई, भाई फुटस्टेप आ रहे थे उसके वैसे मिनी मैप में, तो मैंने एक बार देखा भाई साहब गिली भैया पहन के कैंप कर रहा भाई, इसके हेड लगे यार लिटरली यार सारे इसके हेड लगे। अबे मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा, खत्म ही आ रहे हैं इनके से, उसने जैसे ही हील लगाना स्टार्ट करा। तो भाई लास्ट के 2 बंदे बचे थे इस सर्कल में, हमने गिली ले लिया यहाँ से। अब भाई साहब इस बंदे के पास में एक और के पास भाई प्लेयर,
तो यार हमारे टीममेट ने उस प्लेयर का भी बिल्कुल सही उपयोग किया और एक और ड्रॉप मंगाया। अरे यहाँ पे इतनी देर दीपक को रिवाइव शिवाइव दे देते हैं। ओ भाई इस वाले स्प्रे के लिए एक लाइट भाई प्रोन होकर मैंने स्प्रे दिया बंदा भाई पार तो यार ऑलरेडी मैं उसका एक बंदा नॉक कर चुका हूँ। ये रहा वो नॉक। अब भाई लास्ट जो बंदा भाई मेरे को लगा भाई रिवाइव वगैरह करेंगे वो बंदे लेकिन भाई उनको फुर्सत कहाँ थी रिवाइव वगैरह करने से। भाई उस बंदे को यार जो लास्ट वाला जो बंदा था मेरे को उसका नाम वगैरह याद नहीं वो प्ले जोन से मर गया। भाई रिवाइव वगैरह तो यार दे लेते कम से कम जो यार हमारे को एक आध किलो और डैमेज बढ़ता किल मिलते हैं। अब भाई इतनी देर मैंने दिमाग लगाया भाई जोन में आना उन्हें जोन हमारे पास है तो वो गाड़ी लेके आएंगे लेकिन भाई इस ड्रॉप का भी एक बार सीन देख लो भाई वो का वो यार डिट्टो सीन है यार इसका। अब भाई मैंने इनकी गाड़ी फोड़ना सही समझे इस टाइम पे। यहाँ गया मैं भाई साहब इतना प्यारा यार इन बंदों को भाई साहब इतनी गालियाँ दी होगी इन्होंने एनिमीज की गाड़ी, गाड़ी फोड़ दी इनकी इनके बंदे नॉक करे भाई। चिकन तो यार अपने अपने पास था ही यार चार है हम वो दो है। अब भाई वो लास्ट नितिन वर्मा 68 प्ले जोन से मर गया उसका तो किल मिला मिला अपन को लेकिन भाई इस वाले बंदे का किल नहीं मिल पाया यार तो मेरे को लगा यार शैक में होगा वो बंदा उस पत्थर के पीछे था लेकिन वो बेचारा जोन में भी नहीं आ पाया। और भाई लास्ट सर्कल कुत्तों की तरह काटता है। तो यार गेम प्ले वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो ये रहा गाइस एक को डिलीशियस चिकन डिनर।